भगवान श्री कृष्ण का नाम तो सुने होंगे आप लोग, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी क्या है? हाँ, संसार को बनाते हैं, संसार के स्वामी हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर भगवान को आप लोग देख ले तो एक सेकंड न लगे हार्ट फेल हो जाए। तो ये भगवान का स्वरूप है, श्री कृष्ण का असली। तो साधारण हम लोग भगवान से प्यार करने की हिम्मत कैसे करते? लेकिन उन्होंने जो कृपा करके ये नियम बना दिया कि हमको स्वामी बना लो, सखा बना लो, बेटा बना लो, प्रियतम बना लो, मैं वैसे ही बन के मिलूंगा सदा, तुमको भगवान का रूप दिखाऊंगा नहीं। तो भगवान ने ये कृपा करके हम लोगों को अपना बच्चा मान करके ये नियम बना दिया कि तुम हमको चार भाव से मान लो, स्वामी, दास। तो जो दास होता है वो तो स्वामी के पास बैठता है और प्यार करता है, सेवा करता है, चरण दबाता है, नजदीक रहता है। और भगवान का संबंध जो दास के साथ होता है वो तो बहुत अधिक अंतरंग होता है। अपने दास से इतना प्यार करते हैं भगवान कि हनुमान जी वगैरह पेड़ के ऊपर बैठे हैं और राम नीचे बैठे हैं। जय राम रमा रमनम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमनम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम। महिमंडल मंडल चारुतरम धृत सायक चाप निशंग वरम। जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। भजे रघुवीर महारणधीर अजे, मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारणधीर अजे। हे पवन पुत्र, हे महाबली, यद्यपि ये संसार सदैव भगवान का ही यशोगान करता है, परंतु मेरे अनुसार भगवान के यश का वर्धन तो उनके प्राण प्रिय भक्तों द्वारा ही संभव है। भक्त की भक्ति ही भगवान का वास्तविक आभूषण है। महाबली, जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारे जैसे भक्तों की भक्ति के प्रकाश से सृष्टि आलोकित रहेगी। सेवा भाव का जो उदाहरण तुमने संसार के समक्ष
प्रस्तुत किया है वह अद्वितीय है एवं चिरकाल तक अविस्मरणीय है। एक सच्चे दास का धर्म किस प्रकार का होना चाहिए वह तुमने जगत के समक्ष भली भांति उजागर कर दिया है। हे रघुवर, हे परम कृपालु, मुझ जैसे सेवक में कोई सामर्थ्य ही नहीं है। सेवा तो आपकी कृपा शक्ति मुझसे करवा लेती है। भला असमर्थ समर्थ की सेवा किस प्रकार कर सकता है? प्रभु, मुझ पर आप मात्र इतनी कृपा कीजिए कि मैं चिरकाल तक आपके सुकोमल श्री चरणों की निष्काम भाव से सेवा करता रहूं। साचो दास ना कब हूं चह पाचहूं मुक्ति बलाय राधे राधे चहई युगल से सुख सुखी सदाय राधे राधे। लेकिन दास का संबंध स्वामी से दूर का होता है। दास चाहता है स्वामी के गले में हाथ डाले, अरे नहीं असभ्यता है, चरण की सेवा करो। इससे ऊंचा है सख्य भाव, को भी अधिकार दे दिया भगवान ने, को सखा मान लो। माने दोस्त फ्रेंड, तो दोस्त को तो अधिकार खूब है। सखा लोग ठाकुर जी के कंधे पर बैठते थे खेल में, जब हार जाए ठाकुर जी को, अरे दोस्त जैसे संसार में होते हैं। बाबा दो मैया ऐसा कौन कन्हैया, द्वे बाबा दो मैया ऐसा कौन कन्हैया, द्वे बाबा दो मैया ऐसा कौन कन्हैया। कान्हा तो पे कौन दुहावे गैया, कान्हा तो पे कौन दुहावे गैया, कौन दुहावे गैया, कान्हा तो पे कौन दुहावे गैया। कारो रंग अरु कारी कमलिया, कारो रंग अरु कारी कमलिया, बिदर की जाएगी गैया, कान्हा तो पे कौन दुहावे गैया, कान्हा तो पे कौन दुहावे गैया। अरे कन्हैया, हम सबरे तो हांसी करी रहे थे, तू नए मुस्कुराएगो तो हम सबरे कैसे प्रसन्न रह पावेंगे। चल कन्हैया चल, अब मुंह ना लटका, मेरी मैया ने तेरे ताई आज स्वादिष्ट दही पकौड़ी
कलेवा करीबे के ताई दियो है। हाँ कन्हैया, मेरी मैया ने रसगुल्ला हूँ भेजियो है, अब मान भी जा कन्हैया, अधिक ना इतरा। फिर भी थोड़ी दूरी तो रहती है दोस्त से। उसके आगे भगवान कहते हैं हमको बेटा मान लो, तुम हमारे बाप बन जाओ, माँ बन जाओ। ये और नजदीक का रिश्ता हो गया, माँ बेटे, बाप बेटे का रिश्ता बहुत समीप का होता है। माँ को बाप को अधिकार है, झापड़ लगा दे, हाथ पैर बांध दे बच्चे का। इतना अधिकार दे दिया जीव को भगवान ने। हाँ, यशोदा मैया ने देखो ठाकुर जी को बांध दिया, ठाकुर जी रो रहे हैं, कोई छुड़ा लो, कोई छुड़ा दो। काना चल, आज तो तेरी मरम्मत करनी ही पड़ेगी। तेरे रोज रोज की शरारत ते हम सबरी परेशान है गई हैं। चल हमारे संग। और कहा, परंतु कन्हैया, आश्चर्य की बात तो जे है कि चाहे तू कुछ ही क्यों ना कर ले, यशोदा मैया हमारी एक नाई सुने हैं। कान्हा, आज फैसला हो कर ही रहेगो। तेरी चिकनी चुपड़ी बातन में हम सबरी और नाए फसेंगी। आज चाहे मैया माने चाहे ना माने, हम तेरी सच्चाई भी ने बताया कर ही मानेंगी। चल हमारे साथ। मैया, अरे ओ यशोदा मैया, कृपा करी के बाहर आए जाओ और अपने लाला के करतूतन ने सुनियो। अरे गोपियो, इतनो शोर क्यों मचाए रही हो, और मेरे लाला ने क्यों पकड़ राखियो है तुम सबन ने? लाला आजा, आजा लाला। मैया, आपको विश्वास होए चाहे ना होए, परंतु आपके लाल ने हमारे नाक में दम करी राखियो है। कबहू हमारे घरन में घुसी चोरी करियो है, कबहू मटकी फोरी देओ है, और जब हम आप ते याकी शिकायत करीवे के ताई सोचे है, तो अपनी मीठी मीठी बातन ते शब्द जाल बुनी बच के निकल जायो है। निज ब्रज धाम ले हो नंद रानी, हम कहूं अंत बसेंगे जाए। निज ब्रज धाम ले हो नंद रानी, हम कहूं अंत बसेंगे जाए। अति खोटा यह तुम्हरो ढोटा, मैं कहूँ नाही लजाय। अति खोटा यह तुम्हरो ढोटा, मैं कहूँ नाही लजाय। हम भोरी गोरिन सोनित यह बर बसरार मचाय। राधे राधे हम भोरी गोरिन सोनित यह बर बसरार मचाय। राधे राधे निज ब्रज धाम ले हो नंद रानी, हम कहूँ अंत बसेंगे जाय। निज ब्रज धाम ले हो नंद रानी, हम कहूँ अंत बसेंगे जाय। हाँ मैया, तिहारे लाला को याते ही सुख प्राप्त भयगो। संभालो अपने लाला को, जय राम जी की। लाला, आज तेरे ताई इन ब्रज गोपियन ने मोए इतनी खरी खोटी सुनाए दई,
मेरे घर में कहाँ कमी थी जो तू बिन के घर माखन चुराइबे के ताई गयो। आज तो ये हो सबक सिखा के ही मानूंगी, चल मेरे संग। मैया मैयारी, मैंने कछु नहीं कियो। हाँ साची कही रहे हूँ मैया, तेरी कसम। लाला ज्यादा चतुर ना है बन, हो सब जानू हूँ। चोरी करीबे को बड़ो शौक है ना तोए, ठहर आज हो देखू तू चोरी करीबे को किस प्रकार जाएगो। तोए हो आज या उखलते बांध दऊंगी, दिन भर भूखो रहोगो तो स्वयं ही समझ जाएगो कि चोरी करनो कितनो सुखदाई होए है, चल मेरे संग। लाला रुक रुक, मैं कहती हूँ रुक। लाला रुक जा, लाला रुक रुक जा, मैं कहती हूँ रुक रुक लाला। अरे जे रस्सी छोटी क्यों है, डिस्बे में तो छोटो ना है। अरे जे कहा, जितनो ही बड़ी रस्सी क्यों ना होए, हर बार जे रस्सी दो उंगल छोटी ही परे है, हे ईश्वर। लाला कैसो चलिया है रे तू, पेट फुलाता है? हाँ पेट फुलाता है। लाला अब तो मैं हार ही गई, अब तो तू स्वयं ही बंध जा। लेकिन अब भी थोड़ी दूरी है, तो ठाकुर जी कहते हैं हमको प्रियतम मान लो, लवर, स्त्री पति तो उससे नीचे हैं, और प्रियतम का भाव सबसे ऊंचा है। स्त्री पति में पति पूज्य होता है, लेकिन प्रियतम भाव में भगवान चरण दबाते हैं, उल्टा है, तो माधुर्य भाव कहते हैं उसको, वो हमारे प्रियतम है। माधुर्य भाव में क्या खासियत है कि जब चाहे उनको बेटा मान ले, जब चाहे सखा मान ले, जब चाहे स्वामी मान ले, चारों भाव में जाने का अधिकार है माधुर्य भाव में। इतनी रियायत दे दिया हम लोगों को, माधुर्य भाव सर्वश्रेष्ठ होता है, उसमें केवल अपने प्रियतम को सुख देने की भावना होती है, अपूर्ण एकत्व होता है, दूरी नहीं होती। तो भगवान कहते हैं हमसे माधुर्य भाव से तुम लोग प्यार करो।
विहार की बलि जाओ निकुंज विहार की बलि नागरी श्री वृषभानु कुवरी अरु नागरी श्री वृषभानु कुवरी अरु नागर नंद कुमार की बलि नागर नंद कुमार की बलि जाऊं जाऊं जाऊं
भरत के ली भुज मेली विविध विधि करत के ली भुज मेली विविध विधि बरसावत रसधार की बली बरसावत रसधार की बली गोलोक में भी
अनंत काल तक। इसको कहते हैं मधुर रस, मधुर भाव का मधुर रस। इसमें ऐश्वर्य नहीं आता भगवान का, वो बाहर रहता है। राक्षसों के मारने वारने में उसका प्रयोग होता है, भक्तों के लिए नहीं होता। ये चार भाव का रहस्य है।